माय चैनल, वेलकम टू प्रिया सीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे ब्लॉग पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू। ये रहे कमेंट्स जो आपने किए, बहुत अच्छे अच्छे, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज है अहोई, आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये व्रत बहुत अच्छा रहे। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे करते हो। मैं तो ये व्रत, मुझे लगता है कि मुझे 7-8 साल हो चुके हैं ये व्रत करते हुए। जब बच्चे नहीं भी हुए थे तब भी मैं ये फास्ट करती थी, इसलिए करती थी ताकि अहोई माता जल्दी से मेरी भी गोद भर दे। और के सामने है तो अगर तो आप व्रत कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो शाम को पूजा कर लेना। ऐसे ही अहोई का कैलेंडर आजकल तो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, सब लोग ही करते हैं, और उसकी कथा पढ़ लेना। मैं विश करती हूँ, मैं अहोई माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। यही बस हर बार मेरी यही विश होती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, पहले भी बहुत लेट हो चुकी हूँ, अभी 3 बज चुके हैं। अब मैंने इंट्रो स्टार्ट की है, मतलब ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सुबह की क्लिप्स आपने देख ली। यहाँ इस व्रत में भी हमारे ना सुबह उठ के सब्जी वगैरह खा लेते हैं। एक्चुअली मैं अकेली थी तो मैंने कुछ खास बनाया नहीं तो वैसे जैसे पूरी सब्जी वगैरह बनती है ना, आलू गोभी की या फिर आलू पराठा, ऐसा कुछ सब कुछ वही सेम बनता है जैसे करवा चौथ की फास्ट पे होता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, और मैं अभी क्या क्या पूजा के लिए क्या सामान बनेगा वो मैं बना रही हूँ। पंजाब में तो हम बाजार से ही ले आते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बाजार जाना, और अब मेरा तो वैसे ही बच्चों के साथ जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं घर पे बना रही हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ आज का डे एंजॉय कीजिए, और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए मठियाँ बना रही हूँ, फीकी मठियाँ मैं बनाऊँगी। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, मैदे से बना रही हूँ, और इसमें आपका मोइन जाएगा। आप कुछ भी रिफाइंड डालडा और देसी घी कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको देसी घी इतना डालना है, जैसे आपका अगर एक कटोरी या एक कप मैदा है तो आधा कटोरी आपका मोइन जाएगा, और इस मोइन को आपको अच्छे से मिक्स करना है। और जब आप इसकी मुट्ठी बना के देखोगे और ये आटा आपस में जुड़ना चाहिए, इतना होना चाहिए आपका मोइन इसमें। अब इसको हम बहुत कम पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड आटा इसका लगाएंगे। ये बच्चों की जो छोटी पानी पीने वाली गिलासी होती है वो ही इसमें पानी, इतना ही पानी लगेगा, ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा। धीरे धीरे करके आपको इसका आटा लगाना है, और इसको फिर हमने अच्छे से मल लेना है, हार्ड आटा लगा लेना है, और उसको हमने गीले कपड़े के साथ ढक के इसको रख देना है। कम से कम इसको हम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे गीले कपड़े के साथ, उसके बाद आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं गुलगुले बना रही हूँ, मुझे आते नहीं हैं, और मैंने भाभी को बुलाया, हरे का सहारा भाभी हमारी, तो मैंने उनको कहा कि मेरा ये जो है मिक्स बना दो, तो वो बना रही हैं। मुझे ये नहीं आता, इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, और वो बना गई। और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर गुलगुले निकाल लिए, मीठे गुलगुले जो आपको पता ही है होते ही हैं, आटे के बनाते हैं, आटे के पकौड़े हम जब छोटी थी तब बोलते थे क्योंकि पता नहीं था, तो ये मैं फटाफट बना रही हूँ। इसकी हेल्प करने के लिए फिर मेरे हस्बैंड आ गए, वो कह रहे कि चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, बल्कि उस टाइम उस दिन मैच था, तो लेकिन फिर भी वो आ गए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं छोटी छोटी इनके पेड़े या लोइयाँ, आप हिंदी में बोल सकते हो, वो बनाऊँगी। और उस साइड पे मैंने तेल रख दिया है। एक्चुअली अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, मेरी मठियाँ इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि मुझे पता नहीं था ये जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्लो पे बनती हैं, जैसे आप मीडियम इसको गैस करोगे तब बनेंगी, और मुझे पता नहीं था, और मैंने तेज़ गैस कर लिया, और वो मैंने तो मेरी इतनी अच्छी नहीं बनी तो बता रही हूँ नहीं बनी। तो चलो कोई बात नहीं, उस साइड पे मैं फिर सब्जी बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और यहाँ पे मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ ये जो मैंने घी में जीरा डाल दिया, और साथ में जो मैं ये प्यूरी डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, टमाटर और अदरक डाला है, साथ में नॉर्मल नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये किचन किंग बहुत अच्छा है, अगर आप सर्च करना, अगर आपके वहाँ मिलता है तो ये वाला लेना, ये काफ़ी अच्छा है। बस इसको मैं मटर डाल के, ये फ्रोज़न मटर है, मटर डाल के मैं एक मिसल में मटर को गला लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें पनीर डाल दिया, और बन गई मेरी सारी की सारी सब्ज़ी। ये रेसिपी
आप सबको पता ही होगी, इसलिए मैंने इसका इतना लंबा शूट नहीं किया ताकि आप बोर ना हो सको। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लॉग को। मैंने आपको बोर नहीं किया, आई थिंक 6:30 बज चुके हैं और अब मैं नहाने जा रही हूँ। हमारे नहा के सिर वगैरह धो के गीले बालों में पूजा करते हैं, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। सारा काम हो चुका है, सिर्फ पूरी निकालनी बाकी है। वैसे तो हमारी मूंग दाल बनती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग से बना लिया जाए, क्योंकि दाल यार उस दिन भी बनाई थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसके बाद हम कैसे पूजा करेंगे, ज़रूर देखिएगा। और इनकी मस्ती मैं दिखाती हूँ, लगे हुए अपने पापा को तंग करने बुरी तरीके से। लेकिन अब मैं उधर नहीं जाऊँगी, उधर गई तो बस मैं फंस गई। तो मैं अभी रेडी करूँगी सारा सामान, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है हमारी पूजा। सारा काम कर लिया, नहा भी आई, नहाते नहाते याद आया कि सबसे मेन चीज़ हलवा तो मैंने बनाया ही नहीं। और ये जो इतना तंग कर रहे हैं ना दोनों बच्चे, छोटे छोटे तंग कर रहे हो ना मम्मी पापा को, कर रहे हो ना तंग? इसको होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, ये देखने लगता है कहाँ गई। आप तंग कर रहे हो ना, यहाँ पे बताओ चपाचियों को बताओ हचके क्यों दिखा। लेते हैं मम्मा, लेती है अभी काम कर रहे हैं, फिर लेते हैं। मैं जल्दी से वो लेके गए इसके पापा नक्श को कि चल इसको मैं ले जाता हूँ नीचे, थोड़ी देर एक राउंड दिला दूंगा, इतनी देर में तू तैयारी कर दे। बहुत यार अकेले सच में मतलब बहुत मुश्किल है। काम करना तो ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे जो बीच बीच में करने लगते हैं ना, रोने लगते हैं, ये मुश्किल हो जाता है बच्चों को रोते देखना। और पता है कि आपका काम पड़ा है, वो पहले काम, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये वाले काम ऐसा है कि आपको करना ही करना है, बाकी चीज़ें तो थोड़ा डिले भी कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन ये पूजा है ये टाइम पे होती है। अब ज़्यादा टाइम कर दूंगी तो फिर हम ही लेट हो जाएंगे, तो इसमें बच्चों को भी तंग देखना बड़ा लगता है। लेकिन चलो मैं अकेली नहीं हूँ जो अकेली बच्चों को संभालती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो हम भी लगे हैं उन्हीं में। आते जी है छोनी छी बेबी, सोना से बेबी कहा कर रहे, कहाँ घूमी कर रहे, पेला भाई नहीं आया सुंदरशी माई। अब बिल्ली बहुत सही किताब वाला मंगवाता है, न्यू लाइट जी। काकी का देख रही है अभी ना, जय जय करेंगे, जय जय। ये अभी भी पापा को पहले चाहिए थी ना, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਆਲੂ ਲੈ ਜਾਓ, कुछ भी उठा के खाता रहते तू।
दो जय। क्या हो गया? डम ले आ रही है कॉटन कड्डी लेंगे वैसे भी। हाँ कोई पड़ा है ये कौन है सामने? किंगी भाई है ये किंगो भाई है। ये नहीं डरते बिल्कुल भी, इतनी जोर से मैं कांप गई ना, डर नहीं लगा ऐसे। आ जाओ मैच मैच क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया का लीगर। अच्छा आप इंडिया आउट पे आउट करे जा रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी जय जय नहीं हुई अभी तक है ना, चीजी नहीं मिली, इतनी सारी चीजियाँ रखी मम्मा ने, इतना सारी चीजों को छेड़ना है नन्नू ने, है ना पुत्तू। हम बैठे वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आउट हो ही जा रहे हैं। मुझे लगता है सबके ही हस्बैंड आज तो देख रहे होंगे मैच और सभी ऐसे डिस्टर्ब हो रही होंगी। नन्नू रुक जा कहाँ जा रहे? खुदाई के लिए गांव के बाहर खदान से मिट्टी लेने गई, मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की मांद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। हो माता आपके घर में भी अगली बार जरूर से खुशी दे, जरूर से इन दोनों के जैसे। ये भी मुझे बहुत देर बाद मिले हैं, टच वुड है, बस आपके घर भी ऐसी खुशियाँ आए जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गिर जाओगे कुत्तू, इतना सामान आपने ऊपर रखा है फिर भी इसे आप खेल नहीं रहे। चलो तारा देखें, तारा आ गया, आओ आओ। सुनो तुसी लक्ष्य नु फड़ लो, ले जाओ। मैं कहना बाहर देखा तारा आया कि नहीं। ये ले ठीक है, मट्ठी बनिया। मैं क्या मट्ठियाँ ठीक बनिया? बहुत स्वाद बनिया। चलो चलिए, अरे की अंदर चलिए। किग्गी ने सारा कड़ा मुंह से ला लिया है, कोई ना खांदा पे आओ। खांदे नहीं आने तुम्हें पता कितना है।
निकला है, कोई बात आप खा लो, चलो बाय बाय कर दो सबको। तो इसी के साथ हम आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपका ये व्रत बहुत अच्छे से गया हो, और अगर आप नहीं रख पाए तो अगले साल ज़रूर आपके घर में भी ऐसी खुशी हो और आप ज़रूर ये व्रत रखो। और दिवाली के लिए हम और भी ब्लॉग्स आपके लिए लेके आएंगे, है ना लेके आएंगे ना। चलो हम जा रहे हैं अंदर क्योंकि हमें पापा के साथ मैच देखना है। तो सबको बाय बाय, बाय बाय कर दो ना, बाय बाय। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले किसी वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 कर दे ऐसे। नहीं सोनी है रे।